मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी का दाना, शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मेथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मेथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेथी का दाना, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट ठीक करने के लिए मेथी का दाना, ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मेथी का दाना। सभी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम। मेथी दाना पीने के, खाने के एक घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। चाय ना पिए तो अच्छा, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी, मेथी दाना और चाय की दोस्ती नहीं है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है। तो आप बोलेंगे चाय की जगह क्या पिए, दूध पी लो, दूध और मेथी दाने की दोस्ती। दूध की जगह ताक पी लो, ताक और मेथी दाने की दोस्ती है। दही खा लो, ताक पी लो, और जूस पी सकते हैं कोई भी। चाय पियोगे तो मेथी दाने का असर कम होता है चाय से, चाय का असर मेथी दाना कम करता है, मेथी दाने के असर को चाय कम करता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। तो मेथी दाने का आप कभी भी जीवन में उपयोग करिए, बहुत अच्छे परिणाम। और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बीच बीच में थोड़े दिन छोड़ छोड़ कर। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति मेथी दाना खाना चाहता है, इसके लिए कि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, तो 15-20 दिन लगातार खाओ, फिर 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन खाओ, फिर गैप दे दो, फिर खाओ, फिर गैप दे दो, ऐसा करके आप खा सकते हैं। मेथी दाने के और कई प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, अद्भुत है ये मेथी दाना। कई बार छोटे छोटे बच्चों को कान में दर्द होता है, बहुत तेज होता है, और इतना तेज होता है कि बेचारे वो चिल्लाते ही रहते। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई पेन किलर दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा, जितनी देर उसका असर रहेगा उतनी देर बच्चा शांत रहेगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर चिल्लाएगा। ऐसे किसी भी बच्चे को दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो सरसों का तेल या नारियल का तेल या तो गाय का शुद्ध घी, जो भी आपके घर में है, इसमें मेथी दाना डाल के गर्म करें, खूब गर्म करें, और गर्म करके थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद उसको एक थेम कान में डाल दें, एक ही थेम डालेंगे, 5 मिनट में दर्द बंद हो जाए, 5 ही मिनट में दर्द बंद हो जाए, और शायद दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और दोबारा दर्द नहीं आएगा। तो ये मेथी दाने का ऐसा भी एक उपयोग, और एक उपयोग बताता हूं मेथी दाने का। दूसरे तेल में आपके पास अगर शुद्ध नारियल का तेल है, देशी गाय का घी है, और शुद्ध सरसों का तेल है, और अगर चाहिए तो शुद्ध तिल के तेल में भी चल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो आप चाहें सीधे मेथी दाना ही कान में डाल दीजिए, हाँ, और 5 मिनट उसको बोलिए कान को ऐसे ही रखे, थोड़ी देर के बाद कान को वो ऐसे करेगा तो मेथी दाना अपने आप कान से निकल जाएगा, और उसके बाद दर्द भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, आप परेशान मत होइए। दर्द जैसे ही खत्म हुआ, कान नीचे करते ही दाना निकल गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला, अटक गया, तो उस कान में थोड़ा गुनगुना कोमट पानी डाल दीजिए, पानी के साथ निकल गया। और इसका एक उपयोग बताता हूं, मेथी दाने का बहुत अच्छा एक उपयोग है। पिछले 5-6 साल से मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ऐसे पेशेंट पर जिनको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, ऐसे कई लोग 4-4 गोलियां खाते हैं कंपोज की, फिर भी करवट इधर से उधर बदलते ही रहते, नींद ही नहीं आती। ऐसे लोगों को क्या करिए, उनके ये दो अंगूठे हैं ना हाथ के, राइट और लेफ्ट, ये अंगूठे का साइड का हिस्सा, ये एक साइड है, ये एक साइड है ना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, साइड नाखून है उसके बाजू वाला हिस्सा, दोनों तरफ यहां पर मेथी दाना रख के पट्टी से बांध दीजिए, और वो पट्टी आती है ना टेप, सेलो टेप आता है जिसपे पानी का असर नहीं होता, वो टेप बांध दीजिए, इधर 3-4 दाने रखिए टेप बांध दीजिए, इधर रखिए टेप बांध दीजिए, दोनों हाथ में
जैसे ही आप ये बांधेंगे तो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट में बहुत जबरदस्त नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा और अच्छे से सोएगा। कच्चा मेथी का दाना, सीधा कच्चा मेथी का दाना नाखून के नजदीक वाले हिस्से में चार पांच दाने रख के ऐसे टेप से बांध दीजिए, इधर भी दोनों हाथ में, बहुत भरपूर नींद आती है। और जिनको सिरदर्द होता है आधे में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जिसको माइग्रेन कहते हैं, उनको भी यही बांध दीजिए तो सिरदर्द चला जाएगा। अंगूठे में बांधने से? जी अंगूठे के नाखून के दोनों साइड में, हाँ जी अंदर की बाजू, दोनों हाथों में करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और क्या कर सकते हैं इस मेथी का जी, अगर आप इसको टेप से बांधेंगे 4-5 दिन उसमें कुछ हरकत नहीं, बंधा रहने दीजिए, 4-5 दिन के बाद फिर टेप निकालिए, नया मेथी का दाना भर दीजिए, फिर बांध दीजिए। इस पर बस इतना ही ध्यान रखिए पानी ना गिरे, मेथी का दाना गीला ना हो, जब तक गीला नहीं है तब तक वो काम करेगा। और एक इसका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपके पास कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है और दर्द आपको कम करना है, तो जिस स्थान पर भी दर्द हो रहा है वहीं पे 4-5 दाने मेथी के रखिए और पट्टी लगा दीजिए सेलो टेप, 10 मिनट के अंदर ही दर्द चला जाएगा। जहां भी दर्द हो रहा है, मान लीजिए यहां दर्द हो रहा है, माथे पर मेथी दाने रखिए और एक पट्टी लगा दीजिए, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, दर्द कम होना शुरू होगा, थोड़ी देर में खत्म। मेथी के दाने में ऐसा क्या है आप ये पूछोगे जो ये सब करता है? भगवान ने इसको अद्भुत बनाया है। वैसे तो अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं लेकिन ये विशेष औषधि है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है, सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मेथी दाने में सबसे ज्यादा, ये बिल्कुल चुंबक की तरह से काम करता है मेथी दाना। यहां अगर दर्द है तो यहां बांध लो, मेथी का दाना रखो, पट्टी बांध लो, सब दर्द को खींच लेगा। गुड़गे का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, हाथ की कोहनी का दर्द हो, कहीं भी दर्द है, इसमें खींचने की ताकत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका बहुत है, दूसरे सभी औषधियों की तुलना। इसलिए मैं सबको बोलता हूं स्वयं पाक घर में कुछ हो या ना हो मेथी का दाना जरूर रखिए। कमी में किसी को भी चलेगा जिसको वात की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है, जिनको वात और कफ नहीं है उनको गर्मी में मेथी दाना नहीं खाना चाहिए, वात और कफ की तकलीफ है तो जरूर खाना चाहिए। और वात और कफ की तकलीफ के रोग सब मैंने बता दिए, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस।